गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे यार। और दोपहर का टाइम है, अभी 2 बज रहे हैं और आज की वीडियो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और वीडियो को पूरा देख के जाना, बीच में जो है स्किप नहीं करना, वीडियो को भगाना नहीं, तो बीच में बहुत सारी क्लिप्स हैं जो आप लोग मिस कर दोगे। तो चलो आज का ब्लॉग अपन स्टार्ट करते हैं। और आज अपना ब्लॉग जो है अपना होम टूर है। तो चलो पहले सबसे पहले जो मैं दिखा दूं, जो इधर अपना फ्रंट है, ये फ्रंट है, तो इधर से दिखाते हैं। ये है अपना फ्रंट, जहाँ पर ये हमारा है उसारा, ये है उसारा। इधर पे जो है बाइक खड़ी होती है, ये वाली और ये वाली। और इधर से जो है जैसे बीच में बारिश वारिश हो जाती है तो इधर से आने के लिए ठीक रहता है। और ये चीज़ जो देख रहे हो ना यार, यहाँ पर ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पर मतलब जैसे दाल वगैरह होती है या फिर धान वगैरह होता है, तो उसके छिलके निकालने के लिए इसको कहते हैं काड़ी। और इधर है अपना भूसा, भूसे के इधर पे है अपना चारा कह रहा हूँ, भैंस का पशु आहार जो है, यहाँ पे आटा वगैरह। और ये अपनी गाड़ी का कवर ऐसे ही पड़ा रहता है, कभी इसको यूज नहीं करते हैं। इधर इस साइड में यार लाइट नहीं है अभी, मतलब दिन का टाइम है तो लाइट, वैसे भी रात में मतलब उस अंदर की साइड में लाइट नहीं है तो अंदर जो है सही से दिखेगा नहीं, बट मैं हाँ कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये यहाँ पर ये है, क्या बोलते हैं इसको, शायद चकरी बोलते हैं, चकरी है जहाँ ऐसा कुछ बोलते हैं, जिसमें जो है दाल, हाँ दाल, इसमें मतलब जो जैसे अरहर की दाल होगी या बड़ी, मतलब कोई भी दाल होगी तो उसको फोड़ने के लिए, उसके 2 टुकड़े करने के लिए इसमें काम आती है, इसमें से डालते हैं। और ये रही अपनी कुदाल जिससे हम काम करते हैं। उधर मेरे डंबल पड़े हुए हैं। और ये सामने जो है मम्मी ने आज गेहूँ उतरवाया है ऊपर छत पे से, मतलब ये सूख गए हैं गेहूँ, तो इनको अभी साफ करना है। और ये है इधर पे अपनी जो बुलबुल है, चलो सबसे पहले मैं इधर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये है अपना ऊपर छत पे जाने का रास्ता, इधर से आप लोग इधर से, मतलब मैं इधर से जाता हूँ आप लोग क्या, तो इधर से है अपना छत पे जाने का रास्ता। और यहाँ पर जो है ये है बाथरूम, मतलब नहाने का, तो यहाँ पे नहाते हैं। और ये है अपना ब्रश वगैरह रखने का अड्डा, यहाँ पे ब्रश रखता हूँ। और यहाँ पे 2 रूम है, एक ये रहा। और इसमें दरवाजा नहीं लगा है, इसमें मतलब वैसे ही नॉर्मली एक बेड पड़ा हुआ है और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, तो ये ऐसे है। और हाँ ये कमरा दिखा दूं मैं, ये वाला रूम मिट्टी का, यहाँ पर जो है ये सीढ़ी लगी हुई है ऊपर जाने के लिए, ऊपर रखे हुए हैं जो कंडे होते हैं गोबर के कंडे जिससे आग जलती है, इसके अंदर जो है यहाँ पर ड्रम वगैरह रखे हुए हैं। बाकी यहाँ पर है अपना चूल्हा जहाँ पर जो है खाना बनता है। और इस चूल्हे के पास जो है यहाँ पे मम्मी बनाती है खाना, इधर पे माई खाते हैं, इधर पे पापा खाते हैं, मैं तो कहीं भी खा लेता हूँ। और इधर पे कुछ कीलें लगी हुई हैं, ये रही कील, ये जैसे सामान सामान टांगने के लिए ना, जैसे ये देखो ये रहा झोला टांगा हुआ है यहाँ पे, ये लालटेन टांगी हुई है यहाँ पे जिसमें घोंसला था उसका बुलबुल का, तो बुलबुल तो यहाँ से जा चुकी है, अब इसको निकाल देंगे हम, क्योंकि एक घोंसले में शायद चिड़िया एक ही बार रहती है। तो ये जो ये कीलें लगी हुई हैं पूरे घर में कुछ ना कुछ सामान टांगने के लिए लगी हुई हैं। और इसके अंदर जो है यहाँ भी अंधेरा ही है, इसके ऊपर भूसा रखा हुआ है, मतलब इसके कोठे पे ऊपर की साइड, मैं दिखा देता हूँ खोल के। तो ये देखो ये रहा, ये है कुछ ऐसा। तो ये देखो गाइस, यहाँ पर ये जो है ये लकड़ियां लगी हुई है, इसके ऊपर जो है कोठा है, कोठा बोलते हैं हमारे इधर, तो इसपे जो है सामान वगैरह रख लेते हैं, जैसे भूसा हो गया, हाँ भूसा ही रखते हैं उस वाले कोठे पे, कंडा है यहाँ पे भूसा है। और ये अपने कुछ चाय के जो बर्तन है, कप वगैरह। और यहाँ पे ये अपने टंकियां, इनमें गेहूं चावल जो भी होता है ये सारा कुछ रख देते हैं, बाकी अंदर अंधेरा है। तो चलो बाहर चलते हैं, इस दरवाजे में कुंडी जरूर लगा के रखते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब बिल्ली वगैरह आ जाती है अंदर, तो सारा सामान जो होता है मतलब गिरा उड़ा देती हैं यहाँ, लैट्रिन लुट्रिन कर देती हैं। और ये एक चीज़ और दिखा दूँ यार, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये देखो ये है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, भुड़की या कुछ पता नहीं क्या चीज़ बोलते हैं, मम्मी को पता है। इसके अंदर जो है दूध रखा जाता है, गर्म किया जाता है, इसी में पता नहीं कैसे माठा बनाया जाता है, तो दही मट्ठा जो बनता है सारा कुछ इसी में बनता है। इसके अंदर कंडा जला देते हैं, जलाने के बाद उसी धुएं से धीरे धीरे पकता है। और अपना इतना जो सनरूफ, इसको सनरूफ भी बोल सकते हैं, इतना खुला हुआ है, तो ये समझ लो हमारा सनरूफ है। इधर पर गांव में पता है क्या है कि जैसे कुछ भी सामान हो गया तो उसको जो है कहीं कहीं ना कहीं रख देते हैं, जैसे ये देखो ये है पेचकस बड़ा वाला,
तो इसको इसमें घुसेड़ दिया। तो ऐसी मतलब जुगाड़ लगा के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है रख देते हैं। तो चलो ऊपर चलते हैं छत पे। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उनके लिए तो मतलब समझ लो नए ही है, क्योंकि जो रेगुलर मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं कभी कभी छत पे आता हूँ। तो ये रही कुछ अपनी छत, यहाँ पे इतनी बड़ी है, और इधर अपना एक कच्चा वाला घर यहाँ से यहाँ तक, और धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चलो नीचे चलते हैं। बाहर ये मेरी चप्पलें रखी हुई हैं जो कि मैं दिखा दूँ, इसको मैं पहन लेता हूँ। और ये है अपनी रेड़ी। यहाँ अपने हमारे यहाँ दो साइकिल है, एक ये रही, एक वो वहाँ पे खड़ी है, एक ये रेड़ी है जिस पर जो है ज़्यादा सामान होता है तो सामान लेके आते हैं। और ये अपना पाड़ू है, पाड़ू को आज मैं रोटी खिला रहा था, पाड़ू ने रोटी नहीं खाई। पाड़ू ज़्यादा शरारती हो गया है, पाड़ू ज़्यादा शरारती हो गया तू। ये रहा हमारा चारा बालने की जगह, यहाँ पे चारा बाला हुआ है। ये है मशीन जिससे चारा बालते हैं, उधर से लगाते हैं और इधर डंडा ऐसे ऐसे घुमाते हैं और सारी घास कट जाती है इधर से। और ये मम्मी घूम के आ रही है पता नहीं कहाँ से। तो अभी धान लगाने का टाइम आ गया है, तो मम्मी गई थी अभी लोगों को गिनने के लिए कि धान लगाना है। अपने घर का मेंबर एक और आ गया है, टेरू कहाँ गया था? टेरू मम्मी के पीछे पीछे गया था, मम्मी जहाँ जहाँ गई थी मम्मी के पीछे पीछे गया था, लेकिन मम्मी टेरू को मिली नहीं है। टेरू हेलो टेरू। तो ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, जितना था मैंने सारा कुछ दिखा दिया, छोटी छोटी चीज़ें नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मतलब एक दो घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो इसलिए तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियोस पे जो कमेंट करते हो यार तो कमेंट भी कर देना, और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलना। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।